हमने एग्रीमेंट किया था मैंने विद्या के साथ, तो मेरी तीपरा मत हो रही है, आप लोग सुस्त हो गए हो। हमारे गांव में पानी नहीं है, हमारे लोगों को बिजली नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास दो लोग मिनिस्टर बन गए हैं। तो क्या हम लोग के आपके लोगों के बारे में बात नहीं करेंगे? सिर्फ मिनिस्टर को ही बात करना है? मैं अपने पूरे वॉरियर्स को, तिपरा मथा के वॉरियर्स को, YTF के वॉरियर्स को अभी बोलना चाहता हूँ, जहां जहां में प्रॉब्लम है आप लोग जाके मिलिए और जाकर अपने लोकल ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डेप्यूटेशन दीजिए। हमें पब्लिक ने चुना है अपने लोगों का, बुकुंगबारा का, तिपरा शाखा बात करने के लिए, तो हमको बात करना पड़ेगा, अपने लोगों को अधिकार देना पड़ेगा। रहा बात सीए का, मेरा पोजीशन वही है कि एडीसी एरिया त्रिपुरा ने बहुत इलीगल इमिग्रेंट्स को लिया है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कानून कहता है कि एडीसी एरिया में एक भी इलीगल इमिग्रेंट को जो सीए से आया है उनको हम जगह नहीं देते। ये मेरा पोजीशन है, ये पोजीशन था, है और रहेगा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक आश्वासन दिया है, कमिटमेंट दिया है हमें कि एडीसी एरियाज में, सिक्स शेड्यूल एरिया में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू नहीं होगा। अगर वहां कोई सेटल होने का कोशिश करता है तो तिपरा मोथा और तिपरा मोथा के वॉरियर्स को हर जगह में काम करना चाहिए। आपको भूलना मत, आप प्लीज मत भूलिए कि आपको हमारे तिपरा सा, गरीब तिपरा सा ने एक जगह दिया है, और पावर में हमने अग्रीमेंट किया है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम चुप बैठेंगे। आपको कानून समझना चाहिए, आपको पेशेंस रखना चाहिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको अपना तिपरा सा कम्युनिटी को नहीं भूलना चाहिए। हम लोग एडीसी एरिया में इलीगल इमिग्रेंट्स को आने नहीं देंगे, और अगर सीए में कोई आता है तो उनको जनरल एरिया में रहने दीजिए, लेकिन जैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट विल नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन सिक्स शेड्यूल एरियाज विच इज द TTAADC। और गांव में जाकर मिलिए लोग से, जहां में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, मिलकर डीएम लेवल में, एज ब्लॉक लेवल में डेप्यूटेशन दीजिए। आपका काम है अपने लोगों के लिए बात करने के लिए। दिस इज बुबाकर, भलाई मोहम्मद।